पूरे देश में एक बार फिर से उबाल है, एक बार फिर से आक्रोश है। निर्भया कांड के बाद बने हालात जैसे तो नहीं, लेकिन कुछ उसी तरह का हाल है। कथित गैंगरेप और बर्बरता, जातीय संघर्ष सब तनाव का कारण बने हुए हैं। आरोप गैंगरेप का है, लेकिन यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की माने तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि महिला के साथ रेप नहीं हुआ, बल्कि मौत का कारण गर्दन में आई गंभीर चोटें हैं। पुलिस कुछ भी कहती रहे, लेकिन सच तो ये है कि हालात गंभीर बने हुए हैं और खुद पुलिसिया कार्रवाई सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में है। घटना के बाद पुलिस की शुरुआती जांच और भूमिका पर कई गंभीर सवाल उठे हैं, जिनके जवाब अभी नहीं मिल सके। पुलिस ने घटनास्थल को सील क्यों नहीं किया? घटना के पहले दिनों में वहां से साक्ष्य क्यों नहीं जुटाए? रात के अंधेरे में जबरदस्ती अंतिम संस्कार क्यों किया? पीड़िता के परिवार के साथ उसकी मेडिकल रिपोर्ट साझा क्यों नहीं की गई? तकनीकी साक्ष्य क्यों नहीं जुटाए गए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी में देरी क्यों की गई? हालांकि पुलिस पूरे मामले पर अपनी सफाई दे रही है, लेकिन इन सब के बीच सियासत तेज हो गई। खुद को बड़ा दलित नेता साबित करने में कई लोग होड़ में हैं। कांग्रेस के दिग्गजों की कोशिशें तो आपने देखी, राहुल प्रियंका सब हाथरस जाना चाहते थे, जाना चाहिए भी, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। राहुल के साथ तो बातचीत से आगे बढ़कर धक्का मुक्की तक जा पहुंची और राहुल जमीन पर जा गिरे। हालांकि यूपी की योगी सरकार का दावा है कि न्याय होगा, उम्मीद भी हर कोई यही करता है कि न्याय हो, लेकिन अब तक की परिस्थितियों को देखकर लगता है फिलहाल ये मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।